खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भौसी गांव में सोमवार की बीती रात लगभग 10 बजे संदिग्ध अवस्था में गड्ढे में वृद्ध किसान का शव मिला। गौरतलब है कि भौसी निवासी रामस्वरूप पुत्र अहरवा दीन उम्र लगभग 59 वर्ष अपने खेतों में पानी लगाने के लिए रविवार को शाम लगभग 4 बजे खेतों में गए थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो लोगों ने खोजबीन शुरू की। रात 9 बजे तक कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजन घर चले आए। घर घंटे बाद फिर बड़ी टॉर्च लेकर खोजबीन शुरू किया। लगभग 10 बजे वृद्ध का शव नाली के बगल में गड्ढे में मिला। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी। थाना अध्यक्ष राकेश चंद्र आनंद ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष राकेश चंद्र आनंद ने बताया कि मृतक रामस्वरूप का इकलौता बेटा राम सुमिरन नोएडा में प्राइवेट जॉब करता है। घर पर पत्नी रूपरानी थी। रूपरानी के प्रार्थना पत्र मुकदमा पंजीकृत करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया गड्ढे में पैर फिसलने से डूब कर मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण पता चल पाएगा।